क्या आपको मालूम है कि रमजान में 30 दिन लगती है एक ऐसी फूड स्ट्रीट जिसको हर साल ऑर्गेनाइज करती है हमारी बोरा कम्युनिटी। हाय मैडम फूड, वेलकम टू बोरा स्ट्रीट। यहाँ तरह तरह के फूड कार्ट्स हैं जो अपने खानों की लज्जत से बड़े और बच्चों का दिल जीत रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे 44 ईयर्स हो गए। ये मेरा सेकंड ईयर है इस स्ट्रीट पे। ये डायनामाइट पास्ता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ जाके क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए तो ये व्लॉग आपके लिए है। वेलकम टू मोरा फूड स्ट्रीट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप माय फूडी पीपल, दिस इज मी हेरा। और आज हेरा आपको लेकर आई है मिनी सी व्यू जो के है सदर में। भाई ये है बोरा फूड स्ट्रीट जो लगती है रमजान के 300 दिन और 8 बजे ये लग जाती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे 7:30 बजे आई हूँ। इससे पहले सन्नाटा हुआ हुआ था, लेकिन जैसे ही 8 बजे यहाँ पे आप लोगों का रश तो देखे फुरकान भाई, जरा 360 तो घुमाओ। और सो यहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए मुझे बैठना है, इस पे मैं बैठती हूँ अभी। बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, बट आपकी फूडी बहन के लिए यहाँ पे खाना भी है जिसको हम करेंगे एक्सप्लोर। खाना उस साइड है, सारी फन एक्टिविटीज इस साइड है, तो चलते हैं और चल के ये बोरा स्ट्रीट आज एक्सप्लोर करते हैं खास आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द बोरा स्ट्रीट और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग कम्युनिटी के दिख रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के दिख रहे हैं, एंड आई एम गोना स्टॉप देम एंड टॉक टू देम एज वेल। पर अभी मुझे भूख लग रही है तो लेट्स गो ओवर देयर। हाय मैडम फूड, वेलकम टू बोरा स्ट्रीट। गोलगप्पे मिलते हैं और सोडा मिलता है, जलेबी मिलती है और गुलाब जामुन और सब पूरी सब मिलता है। भाई बच्चों ने मुझे जो है वो 2 से 3 रिकमेंडेशन दे दी, तो सबसे पहले आई एम गोना ट्राई द सोडा, देन हमारा क्या है पास्ता, फिर हमारा पास्ता है। और अच्छा अभी आप कहाँ से हैं, आपके पास बैग्स लटके हुए हैं? हम मस्जिद से हैं। अच्छा, नमाज खाना यहाँ पे, आप स्ट्रीट पे आप घूमोगे? यस। बस ठीक हो गया, मैं भी स्ट्रीट पे घूमती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ कि स्टोर क्या क्या है। अच्छा इधर गुलाब जामुन है और क्या है यहाँ पर, यहाँ पे मालपूरा है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे चले। हरी मिर्ची कलेजी है ये, ओए हो हो, ये तो मैंने ट्राई करनी है आफ्टर क्वाइट टाइम। ये अभी पक रही है, हो गई है, तैयार हो गई। और क्या हिसाब है, क्या प्लेट दे रहे हो आप? 200 रुपए। 200 रुपए की प्लेट बन कलेजी है? ओ माय गॉड, 200 रुपए की कलेजी, दिस वुड बी दी मोस्ट एक्सपेंसिव कलेजी एवर, क्रेजी कलेजी। और कितने मसाले डाले आपने? 55 मसालों वाली कलेजी है ये, ट्राई तो करना बनता है, आई एम गोना ट्राई इट। अच्छा भाई यहाँ पे जो है वो ईदी के जो लिफाफे होते हैं वो हैं, ऑल्सो इनके पास ईद कार्ड भी है। अब तो ज़माना ईद कार्ड का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पुराना दौर था कि जिसमें हम लोग ईद कार्ड खरीदते थे, लिखते थे और सबको दे रहे होते थे। राइट नाउ इट्स जस्ट ऑन द फोन, बस ये अच्छे हैं वैसे, ये देखिए जरा कितने मज़े मज़े के इन्होंने दिए हुए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कार्ड्स हैं, ठीक है, गिनती गिनती के जो है गिने चुने कार्ड्स हैं, ठीक है। इधर आपको सबसे पहले जब आप एंटर हो रहे होंगे, अच्छा फ़र्क है, अगर आप लोग सदर की तरफ से आ रहे होंगे तो आप लोग इस साइड से आ रहे होंगे, और अगर सदर की बैक साइड से आ रहे होंगे तो फिर आप मेरे राइट साइड से आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको खाउस है, चाउमीन हो गया हो, कलेजी हो गई हो, फिर आपके पास वॉफल का कार्ट है यहाँ पे, और अगर अच्छी चाय पीनी है तो सामने जो है वो वहाँ पे फास्ट फूड का उनका वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप पी सकते हैं, ठीक है जी। देन दे हैव, अच्छा गोला घंटा के बहुत सारे हैं और कलेजी के भी तकरीबन 2 से 3 स्पॉट्स हैं सामने ही। मेन चीज़ और मज़े की चीज़ एक ये है कि यहाँ पे जो बोरा कम्युनिटी ने ये लगाया है ना, पूरा एक स्ट्रीट जो छोटी सी बनाई है वो कॉम्पैक्ट कीजिए स्पेशली बोरा कम्युनिटी के लिए, ठीक है जी। तो वहाँ से वो लोग अभी नमाज़ पढ़ के आएँ, फ्री होंगे, फ्री होने के बाद यहाँ पे अंधाधुन रश लगने वाला है, अंधाधुन रश लगने वाला है, पर हमें खाने से मतलब है। अच्छा यहाँ पे जो है वो गिने चुने स्टॉल्स हैं और स्पेशली ये बोरा कम्युनिटी की बड़ी कॉम्पैक्ट चीज़ है। द थिंग, द गुड थिंग अबाउट दिस थिंग इज कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को चांस मिला है कि जिनके कार्ड शायद वो कभी ना लगा सकें, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी आई थिंक सो होम बेस्ड फैमिलीज भी हैं जिन्होंने यहाँ पे कार्ड लगाए हुए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज लव बोरा फेस्टिवल, एक नासबाद में लगा था एंड देन अभी रमज़ान के 300 दिन जो है यहाँ पे लग रहा होता है, पूरा का पूरा एक बोरा फूड स्ट्रीट यहाँ पे लग रही होती है। यू कैन come over here and you can actually enjoy with your family as well.
सो वी फाइनली हैव समवन. ठीक है जी, आप मुझे बताएं, आप रोज तो लगती नहीं, रमजान में 30 दिन लगती है ये? हाँ, ये रोज 30 दिन लगती है, हर साल आते हो. और आप हर रोज आते हो? रोज आते हैं दोस्तों के साथ. ओह माय गॉड, तो मजा आता है. यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स है खाने के लिए. फ्रेंच फ्राइज है, स्वीट कॉर्न्स है, कलेजी है, सोडा है. पाकिस्तान चौक से यहाँ पर है ना फूड स्ट्रीट लगे थे 30 दिवस, और यहाँ पे एंजॉय भी था सके दोस्तों ने लेना वो घनी घनी आइटम्स है. वेलकम टू मोड़ा फूड स्ट्रीट. बॉडी फूड स्ट्रीट है या मालपुड़ा, कलेजी, गुलाब जामुन वगैरह सब चीज़ें मिलती है. चाट वगैरह, बकरे की कलेजी, हरे मसाले की लहसुन अदरक वाली VIP कलेजी है ये. सबसे पहले गोल गप्पों से स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है जी, अच्छा थोड़ा तीखा बनाइएगा. अच्छा जी, गोल गप्पों के अंदर जो है ना अभी लोग कर रहे हैं फिलिंग, उसके बाद इन्होंने मुझे देना है खट्टा पानी. भाई आप किसी भी फूड स्ट्रीट पे आए और गोल गप्पा अगर आप ना खाएं तो यार फिर आई गेस आपका फूड स्ट्रीट पे कोई काम नहीं है. ओके जी, तो ये लीजिए पैसे. बिस्मिल्लाह भाई जी, ये ऐसे ऐसे नहीं कहे, बिल्कुल मैं बहन हो के ही दे रही हूँ आपको. ये खुद नहीं ले रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया. नहीं नहीं, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, दिस मीन्स अ लॉट. इन्होंने बोला है कि भाई मैं 2 मीठा बना के दे रहा हूँ, तो तुम जो हो वो मीठा खाओ और बाकी सारे जो है वो तीखे हैं. जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अम्मा बिस्मिल्लाह. मैंने मीठी पानी पूरी खाई है. When? भाई मैंने इनको बोला कि बन के अंदर आप कलेजी डाल के दे दें, उन्होंने मुझे डांट दिया. उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं देते हम. क्यों? अलग अलग खानी होती है, अलग अलग खानी है. अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस. जबरदस्त. अभी मैं टेस्ट करती हूँ तो मैं बताती हूँ आपको. लाए दे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. 55 मसाला 55 जायका. ओए बहुत गर्म हो रहा है. ओए होए आ रहा है ना पानी, आ रहा है ना, देख के मुँह में पानी. अच्छा यहाँ पे खाली एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कलेजी के स्टॉल्स हैं. लेकिन मैं अगर बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जो कलेजी का स्टॉल महक रहा है ना, वो इनका महक रहा है. मतलब ये महक मुझे खुद खींच के लेके आई है. मैंने बोला सबसे पहले हम यही ट्राई करते हैं. दरअसल मसला ये है कि ये बोरा फूड स्ट्रीट पे ताहिरी कलेजी अरसा दराज तकरीबन 50 साल से माशाल्लाह कलेजी और सोडा लगाते हैं यहाँ पे. तो ये ताहिर हुसैन की सबसे रमज़ान की पेशकश है, मसाले हरे मसाले वाली कलेजी और 55 मसाले वाली कलेजी है. इतनी ये स्पाइसी बनाते हैं कि एक प्लेट कलेजी और एक बन के साथ एक गिलास सोडा शरबत जरूरी है ये. अच्छा मैं इधर बोरा स्ट्रीट पे हूँ, तो दूसरा कार्ड जो मुझे अट्रैक्ट किया वो ये वाला था. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरे पास पास्ता है, चाउमीन है, अल्फ्रेडो है, वाइट है. यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. ये मेरा सेकेंड ईयर है इस स्ट्रीट पे. ये डायनामाइट पास्ता है. पास्ता खाने के लिए आया. अच्छा मुझे क्या रिकमेंड करोगी आप कि मैं यहाँ पे क्या खाऊं? पास्ता. पास्ता, इसके अलावा कुछ भी नहीं? फ्राइज भी है. प्राइस भी है. अच्छा माल पूरा बन रहा है अभी? ये बना रहे हैं बस में. अच्छा वैसे आई वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इट, कि इसकी क्या आप मतलब कि सेंटिमेंटल क्या वैल्यू है? ये वैसे इंडिया की चीज है, इंडिया से आई. अच्छा, और यहाँ बोरा स्ट्रीट पे कब से लगा रहे हैं आप? मुझे तो यहाँ पे 44 इयर्स हो गए. और रमजान में कैसा इसका इफेक्ट आता है, कैसी रौनक लगती है? फर्स्ट क्लास, बेहतरीन. अच्छा भाई अभी जो है वो मालपुआ यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, मालपुआ मालपुआ डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज. मैं एक बार बता दूँ, ये मीठा सा क्रेप होता है बिल्कुल पैनकेक स्टाइल का, तो साथ में इनके दी जाती है ये रबड़ी जो कि मुझसे बिल्कुल खुल नहीं रही है. बिस्मिल्लाह खुल गई. ये ओह खूबसूरत. तो हम तोड़ते हैं एक पीस. टू गुड द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड. ये रबड़ी ठंडा है और ये गर्मा गर्म जो है अभी तवे से जो है ये फ्राई होके आया है. क्या कॉम्बिनेशन है इसका. मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है ना अगर आपने खाना है वो इन्हीं का है. जो ये वाला ये यहाँ का बोरा फूड स्ट्रीट का बहुत ही स्पेशल 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 जो है ये सोडा, ये है जीरे वाला सोडा. ठीक है जी, इसके अंदर उन्होंने वो जो कहते हैं ना गरम मसाला, जीरा पिसावा सोडा, लेमन, सब कुछ जो है वो इसके अंदर इन्होंने डाला है. अच्छा मिंट भी डाली है इन्होंने. ठीक है जी, बर्फ है इसके अंदर और इतना कोई रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका मैं आपको बता नहीं सकती. विद दिस आई एम गोना एंड माय व्लॉग ओवर हियर. आपसे मुलाकात होती है एक और मजेदार से रमजान फूड सीरीज में. दिस इज मी हियर एक्सप्लोरिंग कराची के रमजान के चश्के. खुदा हाफिज़.